अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां सड़क पर तांत्रिक क्रिया के बाद दहशत का माहौल है। फूलबाग के पीछे और चिड़ियाघर के पास एक तिराहा पर किसी ने यह तांत्रिक क्रिया की है। यहां सफेद चूने से चौखाना बनाया गया है। इसमें एक कोने में 7 मिट्टी के गड्ढे बनाए गए हैं। इन गड्ढों को रुई और चुनरी से ढका गया है। इसके बाद एक महिला की चप्पल बिल्कुल सेंटर में रख कर जलाई गई है। चारों तरफ सिंदूर बिखरा पड़ा है। पास ही एक गोपाल मंदिर के संत ने बताया कि जिस तरह का यह सामान सजाया गया है, उससे दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। यह काम किसी परिवार के वशीकरण के लिए किया गया है या फिर किसी की मृत्यु के लिए किया गया है। हालांकि आज के आधुनिक युग में तंत्र मंत्र को कोई नहीं मानता, लेकिन खुलेआम इस तरह का काला जादू अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। चिड़ियाघर के सामने सार्वजनिक स्थान पर यह हरकत लोग दहशत में हैं। शहर के फूलबाग चौराहा चिड़ियाघर के पास एक तिराहा पर यह काला जादू या बोले तो तांत्रिक क्रिया की गई है। जिस स्थान पर यह तांत्रिक क्रिया की गई है, वह ऐसा स्थान है कि पास में चिड़ियाघर होने के चलते वहां बच्चों महिलाओं का आना जाना होता है। वहीं इसके दूसरी ओर पार्क है, जहां बुजुर्ग शाम के समय टहलने आते हैं। ऐसे में यह तांत्रिक क्रिया अपने आप में डराने वाली लगती है। हमें एक सुबह से जब से लोगों ने यह सामान सड़क किनारे सजा देखा, तो यहाँ लोग एकत्रित होकर चर्चा कर रहे हैं। जब यह बात चर्चित हुई तो वहाँ भीड़ लग गई। इसके बाद छानबीन शुरू की, तभी हमें इस पूरी तांत्रिक क्रिया को देखने वाली एक चश्मदीद मिल गई है। चिड़ियाघर के पास ही रहने वाली पूनम नाम की लड़की ने बताया कि कल रात करीब 1 बजे सफ़ेद कार से कुछ लोग आए थे। कार तिराहा पर खड़ी की थी। पूनम की अचानक नींद खुली तो उसे कार खड़ी दिखी। कार की डिग्गी खोलकर उन्होंने चौराहे पर कुछ सामान जमाना शुरू किया। कार में से 5 से 6 लोग उतरे थे, जिनमें एक महिला, 2 से 3 पुरुष, एक बच्चा भी था। यह करीब सुबह 3:30 बजे तक वहां रुके। बीच में कुछ जलाने जैसा भी नजर आया। सुबह आकर देखा तो सभी पुतलों के पास एक महिला की चप्पल को सेंटर में रख कर जलाया गया है। सुबह यह दृश्य देखकर रात को होने वाली पूरी कहानी समझ आई है। वशीकरण और मौत के लिए हो सकती पूजा। पास ही सिद्ध स्थान व चर्चित गोपाल मंदिर है, और वहां के संत बाबा प्रखरनाथ ने बताया कि जिस तरह का यह पूरा सॉन्ग रचाया गया है, वह अपने आप में काफी खतरनाक है। शुक्रवार शनिवार की रात हमेशा से काली पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। जिस तरह से सिंदूर मिट्टी के पुतले बैठाए व क्रियाएं की गई हैं, उससे साफ है कि या तो किसी के वशीकरण के लिए की गई है या किसी की जान लेने की पूरी तैयारी है। बाबा प्रखरनाथ ने एक बात और बताई, सभी पुतलों और पूजा के स्थान के बीचों बीच एक महिला की चप्पल रखी है, जिसे जलाया गया है। संभवतः यह पूरा टुटका किसी महिला के लिए है। यह चप्पल उसकी रही होगी, इसके से उस पर अटैक या वशीकरण किया जा रहा होगा। ये क्या है, असल में कृष्ण तांत्रिक पूजा की रात के टाइम पे, जो कि रात को 1 बजे के बाद ही होती हैं, और ये पूजा हमेशा चौराहे के बाहर होती हैं, सिटी के बाहर होती हैं, एकांत में होती हैं। किसी को मारने के लिए की जाती हैं, किसी को बस में करने के लिए की जाती हैं। तो इस तरह की पूजा जो होती है, यहाँ ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पब्लिक पैलेस हो। ये कल रात की बात है, बहुत लोग थे, परिवार वगैरह सब थे उनके साथ।